आईपीएल 2020 मैच नंबर 45 में मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। पहली ओवर की चौथी गेंद पर डीकॉक आर्चर की गेंदबाजी पर बैकफुट से डीप मिड विकेट की क्षेत्र में अपने टीम के लिए पहला छक्का लगाए, लेकिन अगले ही गेंद पर डीकॉक एक भारी शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए और आर्चर का पहला विकेट। दूसरी ओवर के दूसरी गेंद पर ईशन किशन गुडलेंथ की गेंद को पंच करते हुए चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर ईशन किशन शानदार फॉर्म से फिर से अच्छी शुरुआत की। वे गेंद को गहरे मिड विकेट क्षेत्र से खींचते हुए चौका लगाए। चौथी ओवर की तीसरी गेंद पर ईशन किशन बेहतरीन प्रदर्शन दिखाए और एक और चौका लगाए। पांचवी ओवर की पांचवी गेंद पर सूर्य कुमार यादव गेंद को फ्लिक करते हुए फाइन लेग रीजन से चौका लगाया। और अगले गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने स्क्वायर लेग क्षेत्र से एक और चौका लगाया। छठी ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार खेल दिखाते हुए डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर एक भारी छक्का लगाया। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर ईशन किशन फाइन लेग क्षेत्र से छक्का लगाए। नवी ओवर के तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव गेंद को स्लैश करते हुए पॉइंट फील्डर के ऊपर से मारकर बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और चौका लगाया। दसवीं ओवर की आखिरी गेंद पर ईशन किशन बड़ी ही फुर्ती से पैडल स्वीप करते हुए फाइन लेग क्षेत्र में चौका लगाया। लेकिन ग्यारहवां ओवर की चौथी गेंद पर ईशन किशन एक भारी शॉट मारने के चक्कर में आर्चर ने जबरदस्त कैच किया और आउट हो गए। यह कार्तिक त्यागी का पहला विकेट। तेरहवां ओवर की दूसरी गेंद पर एक और विकेट गिरा, पहले किशन फिर यादव। सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ की दिशा पर मारकर वेंस्टॉक को कैच देकर आउट हुए। श्रेयस गोपाल का यह पहला विकेट। उसी ओवर की चौथी गेंद पर पोलार्ड ठीक समय के साथ भारी छक्का लगाए, लेकिन आखिरी गेंद पर पोलार्ड भी आउट हो गए। श्रेयस गोपाल के लिए क्या गेंद! यह राजस्थान के लिए खेलने का यह उत्कृष्ट मार्ग है। कुछ ही समय में तीन विकेट और यह पोलार्ड का बड़ा विकेट। 14 ओवर की चौथी गेंद पर सौरभ तिवारी डीप मिड विकेट के रीजन से बाउंड्री लगाए। 15 ओवर की पहली गेंद में सौरभ तिवारी पावरफुल शॉट लगाते हुए एक और बाउंड्री लगाए। 17 ओवर की दूसरी गेंद पर सौरभ तिवारी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन के अंदर के एज की ओर मारते हुए बाउंड्री लगाया। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर सौरभ तिवारी एक और चौका लगाए और आखिरी गेंद में भी तिवारी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए एक भारी छक्का लगाए। 18 ओवर की पहली गेंद में हार्दिक पांड्या फुल टॉस मारते हुए छक्का लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या फुलिश गेंद को लॉन्ग ऑफ रीजन की दिशा पर एक और छक्का लगाए। 18 ओवर की पांचवी गेंद पर हार्दिक पांड्या फिर से फुल टॉस मारते हुए डीप मिड विकेट से छक्का लगाए और आखिरी गेंद में भी हार्दिक पांड्या टेरिफिक खेल दिखाते हुए डीप मिड विकेट की दिशा पर एक और छक्का लगाए। 19 ओवर की पहली गेंद पर आर्चर की गेंदबाजी में सौरभ तिवारी फुल टॉस मारे
और बेन स्टॉक को कैच देकर आउट हुए। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या गुड लेंथ गेंद को स्मैश करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा पर छक्का लगाए। अगली गेंद पर उन्होंने एक्सीलेंट बैटिंग करते हुए चौका लगाया। लगातार अगले गेंद पर हार्दिक पांड्या फिर एक बार बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए चौके पे चौका लगाए। आखिरी ओवर की पांचवी गेंद में भी पांड्या ने गुड लेंथ गेंद को मारते हुए भारी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। और एक और अगली गेंद में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से फिनिशिंग करते हुए एक और भारी छक्का लगाया। इसी के साथ मुंबई इंडियंस 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए। हार्दिक पांड्या बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाए। उनकी पारी ने मुंबई इंडियंस को 195 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। वह असाधारण थे और पूरे पार्क में राजस्थान के गेंदबाजों को हिट करे। राजस्थान रॉयल्स लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी ओवर की पहली गेंद पर रॉबिन उत्तप्पा डीप मिड विकेट की रीजन से पहला बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन उत्तप्पा एक और चौका लगाए। लेकिन अगले ही गेंद पर रॉबिन उत्तप्पा शॉट मारने के चक्कर में पोलार्ड को कैच देकर आउट हो गए और यह जेम्स पैटिनसन का पहला विकेट। तीसरे ओवर के दूसरे गेंद पर बेन स्टॉक गुड लेंथ गेंद को फ्लिक करते हुए डीप मिड विकेट रीजन की दिशा में एक चौका लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर बेन स्टॉक मिड ऑफ रीजन की दिशा में एक और चौका लगाए। अगले गेंद पर भी बेन स्टॉक ने एक और चौका लगाया। चौथी ओवर की पहली गेंद पर स्टीव स्मिथ गुड लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से ब्रिलियंट चौका लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर स्टीव स्मिथ डीप स्क्वायर लेग की दिशा पर एक भारी छक्का लगाए। लेकिन पांचवी ओवर की चौथी गेंद पर स्टीव स्मिथ आउट हो गए और जेम्स पैटिनसन का दूसरा विकेट। छठी ओवर की पांचवी गेंद पर बेन स्टॉक थर्ड मैन रीजन की दिशा पर बाउंड्री लगाए। और आखिरी गेंद पर बेन स्टॉक डीप मिड विकेट की क्षेत्र में एक और चौका लगाए। आठवीं ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टॉक ने डीप मिड विकेट क्षेत्र पर स्लैंग करते हुए छक्का लगाया। इस टूर्नामेंट में स्ट्रोक के लिए पहला छक्का। अगले गेंद में बेन स्टॉक ने लूप गेंद को रिवर्स करते हुए गहरे बिंदु क्षेत्र में चौका लगाया। नवी ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन गेंद को लॉफ्ट करके छक्का लगाए। दसवीं ओवर की पांचवी गेंद पर बेन स्टॉक ने मिडिल पर फुल टॉस मार के चौका लगाया। और आखिरी गेंद में बेन स्टॉक ने मध्य सीमा के लिए गहरे मिड विकेट क्षेत्र और गहरे स्क्वायर लेग क्षेत्र के बीच के अंतर को खींचते हुए चौका लगाया और इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ। 13वां ओवर की पहली गेंद पर बेन स्टॉक गुड लेंथ गेंद को एक्स्ट्रा कवर से बाउंड्री लगाए। सत्रह ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टॉक शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए एक और चौका लगाए। 16 ओवर के तीसरे गेंद पर बेन स्टॉक ने चौका लगाया और अगले गेंद में संजू सैमसन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए एक और चौका लगाए। 15 ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन फाइन लेग रीजन पर बाउंड्री लगाए और अगले गेंद पर संजू सैमसन एक और शॉट लगाते हुए छक्का लगाया।
उसी ओवर की पांचवी गेंद पर संजू सैमसन पॉइंट रीजन पर बाउंड्री लगाए। 19 ओवर की पहली गेंद में बेन स्टॉक ने एक और छक्का लगाया और अगले ही गेंद पर बेन स्टॉक ने चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। राजस्थान रॉयल्स 8 विकेट से जीत हासिल किए।